मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले आप मटकी ले और उसे सोक कर दे ओवरनाइट के लिए, और फिर उसके बाद उसे प्रेशर कुक करें एक सीटी होने तक। आप जब भी प्रेशर कुक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर उसे प्रेशर कुक करें। और फिर जब तक वो प्रेशर कुक हो रहा है तब तक एक मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें और फिर उसमें 2 तेज़पत्ता डालें और फिर 1 से 1.5 इंच अदरक डालें कटा हुआ और 1 बड़ी इलायची डालें और 5 से 6 छोटी इलायची डालें। फिर 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च और लौंग डालें और काली मिर्च डालें और दगड़ फूल। अब 7 से 8 कलियां लहसुन की डालें और फिर लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डालें और फिर इन सारी चीज़ों को रोस्ट करें 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें सौंफ डालें और सफ़ेद तिल डालें। अब इसमें सूखा हुआ कोकोनट डालें और फिर इन सारी चीज़ों को और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। हमने जिन भी चीज़ों को लास्ट में डाला है 2 से 3 मिनट पकाने के बाद वो सारी चीज़ें जल्दी पक जाती है, इसलिए उसे बाद में डाला। देखिए अभी अच्छे से पक गया है, गैस का फ्लेम बंद करें और उसे ठंडा होने दे। फिर उसे मिक्सचर जार में डालें और उसे अच्छे से पीस ले, बारीक पीसे। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करें और इस बार तेल अच्छी खासी मात्रा में गरम करें। फिर उसमें हमने जो पेस्ट बनाया वो डालें और फिर अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसमें हल्दी पाउडर डालें और फिर रेड चिली पाउडर डालें। इस रेड चिली पाउडर से तीखापन आएगा, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से पकाए तब जब तक किनारों से ऑयल ना रिलीज होने लगे। देखिए अब किनारों से अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। मिसल बनाते वक्त आप तेल थोड़ा ज़्यादा रखें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर इसमें टमाटो पेस्ट डालें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें पानी डालें, पानी करीबन 1 से 1.5 लीटर तक डालें। और फिर इसमें नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसमें उबाल आने दें। अब इसमें हमने जो मटकी बॉईल किया था वो डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें गोड़ा मसाला डालें, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको, और फिर उसे डालकर अच्छे से मिक्स करें। गोड़ा मसाला से मिसल का एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और फिर इसे 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दें। देखिए अब ये अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करें और मिसल तैयार है। अब इसे आप प्याज, नींबू और मिक्स सेव के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।